हेलो बच्चों वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथ्स वन अजिब्रा का चैप्टर नंबर सेवन जिसका नाम है स्टेटिस्टिक्स हम लोगों ने इसके दो प्रैक्टिस सेट कर लिए है सेवन पॉइंट वन एंड सेवन पॉइंट टू आज हम करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट सेवन पॉइंट थ्री सेवन पॉइंट थ्री जो प्रैक्टिस सेट है वो थोड़ा बड़ा है इसलिए हम लोग इसको दो पार्ट्स में करेंगे आज मैं इसका लेक्चर वन आपको दे रहा हूँ लेक्चर वन में हम लोग जो इसका बेसिक पार्ट्स है वो सॉल्व कर लेंगे लेक्चर टू में जो इसके आगे के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर आई के बाजू में प्लेलिस्ट आएगा उस पर क्लिक कीजिए आपको आई के सारे वीडियोस मिल जाएंगे जॉमेट्री के वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले सेक्शन में जाके चेक कीजिए आपको जॉमेट्री के भी सारे वीडियोज लाइन वाइज वहां पर मिल जाएंगे चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट थ्री टेक्सट बुक में आप सेवन के पहले जो थियोरी दिया हुआ है ना जस्ट सेवन खत्म होता है उसके बाद वाले पेज पर वहां पर दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा डेटा क्या होता है हमने ऑलरेडी सेवन पॉइंट टू में देख लिया है कुछ इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं डेटा यहाँ पे दिया है द रिकॉर्ड ऑफ मार्क्स आउट ऑफ ट्वेंटी इन मैथमेटिक्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट इज एज मतलब कोई तो एक स्कूल के क्लास में मैथमेटिक्स का पेपर ट्वेंटी मार्क्स का था वो ट्वेंटी मार्क्स के पेपर का सब लोगों का मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है क्लास में जितने बच्चे थे उन सबका देखो किसी को ट्वेंटी में से ट्वेंटी आया किसी को सिक्स आया किसी को थर्टीन आया किसी को नाइन आया किसी को टेन आया इतने सारे बच्चे हैं, सबका डेटा यहां पे दिया हुआ है अब इसको देखकर ले -ले आंसर लिखा हुआ है इसलिए इसको बोलेंगे प्राइमरी डेटा ठीक है खुद जाके कलेक्ट किया हुआ है वॉट इज दबाव इन्फॉर्मेशन कॉल्ड का आंसर प्राइमरी डेटा हो गया द नंबर इन द डेटा कॉल्ड अब ये हर एक नंबर जो है ना इसको भी एक वर्ड बोलते हैं आप बोलेंगे अरे सर मार्क्स है लेकिन अभी मैंने मार्क्स किया है हो सकता है आपने सारे बच्चों का हाइट कलेक्ट किया हो तो अलग अलग आएगा हो सकता है आपने सबका वेट कलेक्ट किया हो तो इसको एक सिंगल नाम देना है ताकि किसी को भी समझ में आ जाए कि क्या है ठीक है तो इसको बोलते हैं स्कोर तो इसमें क्या बोलेंगे इसका स्कोर ट्वेंटी है इसका स्कोर सिक्स है ऐसे मत सोचो तो क्रिकेट के रन है ठीक है अगर वेट होता तो यहां पर होता ट्वेंटी नाइनटीन पॉइंट तो हम बोलते ट्वेंटी जो है वो स्कोर है स्कोर है पे देखो कितने स्कोर है एक दो तीन चार ऐसे बहुत सारे स्कोर दिए हुए तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हर एक वैल्यू जो है उसको बोलते हैं स्कोर ठीक है नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन ये पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे दी हुई है उसको देखकर ये आंसर करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर फिफ्टीन मार्क्स अभी बहुत ही सिंपल है यहाँ पे ऊपर जाके देखना है कि भाई पंद्रह मार्क्स किसको किसको आए देखो शुरू यहाँ से करना है ताकि एक भी चीज़ मिस ना हो देखो यहाँ तक आए फिर ये फिफ्टीन है तो इसको मार्क कर दिया फिफ्टीन फिर उसके बाद आगे गए आगे गए एक भी फिफ्टीन नहीं दिख रहा यहाँ पे दिखा एक फिफ्टीन फिर यहाँ पे दिखा एक फिफ्टीन और आगे गए फिर इधर एक फिफ्टीन इधर एक फिफ्टीन फिर वापस एक बार चेक करो फिफ्टीन कहीं पर छूटा क्या मुझे तो नहीं दिख रहा छूटा छूटा तो कमेंट्स में मुझे बताओ वन टू थ्री फोर फाइव पांच लोगों को फिफ्टीन मार्क्स आए हैं तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि फाइव स्टूडेंट्स कोर्ड फिफ्टीन मार्क्स ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स कोड मोर देन फिफ्टीन मार्क्स अब मोर देन फिफ्टीन मतलब क्या मोर देन फिफ्टीन मतलब जिसको भी फिफ्टीन से ज्यादा सिक्सटीन आया हो सेवेंटीन आया हो एटीन आया हो नाइनटीन आया हो या फिर ट्वेंटी आया हो वो सारे बच्चे सारे मार्क्स वो आपको देने तो आपको समझ रहा है गिनने में कितना प्रॉब्लम होगा ऐसे आपको एक एक करके करना पड़ेगा चलो ट्वेंटी ये भी फिफ्टीन से ज्यादा है फिर यहां तक कोई नहीं ये सेवनटीन फिफ्टीन से ज्यादा है ये 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 फिफ्टीन से ज्यादा है, है ऐसे कर करके आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो उसने क्या क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन फिफ्टीन मार्क्स अभी लेस देन फिफ्टीन सब ढूंढना पड़ेगा ऐसे ही करके सिक्स लेस देन फिफ्टी है फोर्टीन लेस देन फिफ्टीन है टेन लेस देन फिफ्टीन है थर्टीन लेस देन फिफ्टीन है ऐसे पूरा

तो ऐसे आप आंसर कर सकते हो लेकिन ये दो क्वेश्चन आंसर करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है तो इसके कितने पॉसिबल है तो ऐसे ही टीचर ने क्लास में पूछा तो एक बच्चे ने सजेस्ट किया सर इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज तो मतलब सबसे वैल्यू जो छोटा है पहले वो लिखा फिर उसके बाद six, बाद सिक्स के जो नेक्स्ट वैल्यू है सेवन वो लिखा ऐसे कर करके असेंडिंग ऑर्डर में लिखा दो तो असेंडिंग तो ऑर्डर में लिखा तो ये डेटा ऐसा बन जाता है अब अगर आपको किसी ने पूछा कि कितने बच्चों को पंद्रह से ज्यादा आया तो आपको क्लियरली दिख रहा है पंद्रह इधर तक आ रहा है देखो फिफ्टीन 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 से ज्यादा मतलब यहाँ से काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइन ट्वेंटी ईजी मिल गया पंद्रह से कम बोला तो यहाँ से पूरा काउंट कर लेंगे उल्टा किसने पूछा सबसे छोटा स्कोर क्या है तो औरे? दिख रहा है सिक्स है सबसे बड़ा स्कोर क्या है तो दिख रहा है ट्वेंटी है है ना बहुत ही ईजी हो गया जब हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो ठीक है लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में भी आपको गिनना पड़ रहा है हर एक जगह अगर उसने पूछा ट्वेल्थ से ज्यादा कित, कितनों का आया थर्टीन से ज्यादा किसक आया इलेवन से कम किसको आया ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे तो इसमें भी गिन गिन के तो थक जाओगे ना इसीलिए इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे एक टेबल फॉर्म में लिखेंगे ठीक है टेबल फॉर्म हमने एथ स्टैंडर्ड में एक्सप्लोर किया है लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को एट्थ में ये चैप्टर ओमिट किया था तो मैं थोड़ा डिटेल में सिखाऊंगा जिनको ऑलरेडी आता है प्लीज बोर मत हो क्योंकि बहुत बच्चों को ये ओमिट किया था तो मुझे डिटेल में सिखाना पड़ेगा अब देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं इसको इसमें क्या होता है कि आप सारे स्कोर्स यहाँ पे लिख देते हैं स्कोर्स मतलब जो जो मार्क्स सबको आए हैं तो अब ये बीस मार्क का पेपर था इसमें किसी को सिक्स आया है सेवन आया है फिर एट आया है नाइन आया है। ऐसे कोई भी मार्क्स पॉसिबल है तो हमने सारे सिक्स से लेके ट्वेंटी तक अब इससे अलग तो कोई मार्क्स है ही नहीं छोटे से छोटा स्कोर सिक्स था हाईएस्ट पॉसिबल है ट्वेंटी तो सारे नंबर्स यहाँ पे लिख दिए फिर यहाँ पे लिखा टैली मार्क्स मैं आपको बताऊंगा कि टैली मार्क्स एग्जैक्टली होता क्या है फिर यहाँ पे लिखा फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब जितने लोग हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे कितने बच्चे हैं जिनको सिक्स मार्क्स आया तो उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं या फिर उसका एक टेक्निकल टर्म है फ्रीक्वेंसी स्टेटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी वर्ड बहुत ज्यादा यूज होने वाला है डरो मत फ्रीक्वेंसी मतलब जो भी डेटा दिया है उसका नंबर कितने हैं क्वांटिटी कितनी है ठीक है और यहां पे हम लोग ये जो भी आया उन सबका टोटल कर देंगे उसको मत देखो पहले यहां पे देखो ठीक है अभी हम लोग ये डेटा ना मैं यहां पे पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको टेबल में दिख जाए तो यहां पे मैंने जो पीछे डेटा दिया था वो कॉपी कर लिया तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग इसमें काउंट करेंगे देखो पहले यहाँ पे दिया हुआ है ट्वेंटी ठीक है तो ट्वेंटी कहाँ पे आएगा ट्वेंटी इधर आएगा दिख रहा है उसने ट्वेंटी के लिए यहाँ पे लाइन ऑलरेडी डाला हुआ है ट्वेंटी हमने एक बार गिना ना तो एक लाइन डालने का ऐसे फिर नेक्स्ट क्या है ट्वेंटी के बाद नेक्स्ट है सिक्स तो सिक्स पे एक लाइन डाला ये देखो सिक्स एक आ गया नेक्स्ट क्या है फोर्टीन फोर्टीन आपको दिख रहा है यहाँ पे है फोर्टीन कितना हमने एक बार गिना तो एक लाइन डाल देने का उसका ओके नेक्स्ट क्या है फोर्टीन के बाद ये फोर्टीन यूज़ कर लिया हमने फोर्टीन के बाद नेक्स्ट है टेन टेन कहां पे देखो टेन यहां पे टेन में एक लाइन डाला ये स्लांट लाइन देख के डरो मत अभी खाली आप सोचो कि एक ही लाइन ड्रॉ किया ठीक है फिर ऐसे करके आपने थर्टीन के इधर एक लाइन डाला नेक्स्ट आपने फिफ्टीन के इधर एक लाइन डाला उसके बाद नेक्स्ट आपने ट्वेल्व फोर्टीन देखो तो ट्वेल्व में एक लाइन फोर्टीन में एक लाइन फिर सेवनटीन सेवनटीन एटीन तो आपने सेवनटीन में एक लाइन यहां पे देखो ऑलरेडी लाइंस है आप सोचो कि मैंने ये लाइन बनाया सेवेंटीन सेवनटीन और एटीन ठीक है दो लाइन था ना सेवनटीन में देखो यहां पे मैंने दो बार कट किया है सेवनटीन में ये रहा ऐसे कर करके आप बनाते जाएंगे जब भी कोई नंबर पांच से बड़ा होता ना, 10 है ना जैसे टेन है ना टेन फोर टाइम्स हो गया उसके बाद तो फिफ्थ टाइम आया ना तो फिफ्थ का लाइन देखो दो तीन चार ऐसे अलग से फाइव लाइन नहीं डालने का पांचवा लाइन आप एक दो तीन चार उसके ऊपर एक ऐसे स्लांट लाइन डाल देंगे ना तो ये पांच का एक जोड़ी बन जाएगा ठीक है तो ऐसे दस होगा तो आप बार बार वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसा नहीं डालने का फोर डालने का वन टू थ्री फोर और फिफ्थ वाला ऐसे डालने का वन टू थ्री फोर फिर फिफ्थ वाला ऐसे डालने का इसका एडवांटेज क्या है जब बहुत सारा ऐसा होगा तब आपको काउंट करना कितना ईजी है नहीं तो आप लाइन गिनते बैठेंगे वन टू थ्री आपको ऐसा दिखा मतलब आपको पता है कि पांच है ऐसा दिखा मतलब पता है पांच है पांच पांच गिन लिया दस या फिर अगर मैं दस ऐसे डालता वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो ऐसे लिखा तो भी आपको पता नहीं गिनना पड़ेगा टेन है क्या वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे ट्वेंटी रहा तो गिनना पड़ेगा लेकिन अगर ट्वेंटी मैंने ऐसे लिखा फाइव 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 ऐसे वाला लाइन देखो फाइव 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 ट्वेंटी हो गया तो काउंट करना ईजी पड़ जाता है ओके तो ये पूरा टेबल में एक एक करके वैल्यू डाल रहा हूं चलो आप लोग भी वीडियो पॉज करके खुद से डालो टेक्स्ट बुक में तो यहाँ पे मैंने देखो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्लॉट कर दिया अब आपको समझेगा इसका फ़ायदा क्या है ये जो पाँच एक साथ लेते हैं ना तो काउंट करो देखो कितना है यहाँ पे हम लोग जब काउंट करेंगे अच्छा यहाँ पे ना ये एक्स्ट्रा आ गया गलती से ये वन लाइन मेरे को इधर डालना चाहिए था ये टेन ये एक लाइन बचा था ना ठीक है ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्लॉट किया हुआ था इसलिए मुझे उसके ऊपर ही लाइन डालना पड़ा आपके केस में ये टेबल ब्लैंक होगा तो आप हर एक इन्फॉर्मेशन डालोगे ना इसमें से टेस्टबुक वाले ने क्या किया थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्लॉट कर दिया था तो अब काउंट करो देखो यहाँ पे वन है तो वन लिख दिया यहाँ पे टू है तो टू लिख दिया इधर एक लाइन है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे वन यहाँ पे वापस वन ये देखो ये देख के समझ जाता है पाँच का जोड़ी है तो पाँच लिख दिया इधर दिख रहा है थ्री है तो थ्री लिख दिया फिर ये फाइव है टू है ये भी फाइव है ये भी फाइव है ये फोर है फिर ये सिक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे फाइव है यहाँ पे वन है आप सबको ऐड करोगे ना पूरे को तो आपको फिफ्टी ही मिलना चाहिए क्यों फिफ्टी मिलना चाहिए बिकॉज यहाँ पे चलो यहाँ पे दिया नहीं था ना पचास बच्चे हैं तो यहाँ पे आपको 50 मिलेगा ठीक है बिकॉज यहाँ पे 50 बच्चों के मार्क्स दिए थे अगर यहाँ पे 50 टोटल नहीं आ रहा है सबको ऐड करके मतलब आपने इधर से जब इंफॉर्मेशन कॉपी किया ये बनाने में उधर कोई मिस्टेक हुआ और इसमें मिस्टेक होने का बहुत ज्यादा चांस है क्योंकि एक वैल्यू इधर उधर रह जाता है ठीक है अभी मैंने भी देखो ना टेक्स्ट बुक में उसने ऑलरेडी फोर्टीन के कोई प्लॉट किया हुआ था तो मैं लेना गलती से एक्स्ट्रा ले लिया ना क्योंकि उसने टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ था अब ब्लैंक में बनाएंगे तो मिस्टेक होने का चांस कम है लेकिन फिर भी मिस्टेक होने का चांस है इसलिए यहाँ पे जब भी आप ये बनाएं तो ये फटाफट से एकदम स्पीड में जाके मत बनाइए आराम से ध्यान देके बनाइए टोटल करके देखते हैं वन प्लस टू थ्री फोर फाइव टेन थर्टीन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फोर फोर्टी फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स प्लस फोर फिफ्टी तो फिफ्टी आ गया देखो तो यहाँ पे ये यह सबका जो टोटल होता है ना इसको या तो टोटल तो 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 एन बोलते हैं ठीक है या फिर ये सारे फ्रीक्वेंसीज का सम है ना तो एट में भी हमने पढ़ा था इसको हम लोग सम ऑफ एफ आई भी बोलते हैं वो आगे जाके देख लेंगे ठीक है बट सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं ये स्टैंडर्ड है क्योंकि वो बहुत ही आलसी लोग हैं उनको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखने बोर हो रहा था तो उसके जगह उन्होंने बोला चलो भाई एन दे देते हैं इसको नाम ठीक है तो ये हमने बना लिया टेबल अब ये टेबल देख के जो सारे क्वेश्चन थे वो आंसर करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है बताऊं कैसे चलो यहां पे टेबल नीचे जो क्वेश्चन ना वो पेस्ट कर देता हूं मैं ऊपर अब देखो यहां पे पहला क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 15 मार्क्स तो so, टेबल में आने का देखो 15 इधर है कितने बच्चे हैं फाइव तो सीधा आंसर हमको मिल गया फाइव गिनती करनी पड़ी क्या नहीं आप बोलेंगे अरे सर टेबल बनाने में इतना टाइम लगा अरे टेबल बनाने में टाइम लगा ले लेकिन इधर पांच ही क्वेश्चन पूछा है ऐसे पचास क्वेश्चन पूछे होते तो टेबल बनाने में कम टाइम लगता और वो पचास क्वेश्चन एक बार टेबल बन जाता ना तो फटाफट आंसर होते पांच क्वेश्चन में तो गिनना ज़्यादा ईजी है टेबल बनाने से बट अभी समझ रहा है ना आपको टेबल जब बहुत काम आएगा जब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स कोड मोर देन फिफ्टीन मार्क्स देखो फिफ्टीन इधर है फिफ्टी से ज़्यादा मतलब ये सारे लोग ऐड कर लो क्योंकि सिक्सटीन मार्क्स सेवनटीन मार्क्स से ऐसा है ना सिक्सटीन मार्क्स चार लोगों को आए सेवेंटीन मार्क्स छः लोगों को आए तो चार प्लस छः दस प्लस पाँच पंद्रह प्लस एक सोलह सोलह प्लस चार बीस तो बीस बच्चे ऐसे हैं जिनको फिफ्टीन से ज़्यादा आया तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भाई ये है ट्वेंटी अब बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स कोर लेस देन फिफ्टीन मार्क्स तो पंद्रह ये है ना ये फिफ्टीन है अपना फिफ्टीन से कम मतलब इधर से देखो फोर्टीन मार्क्स पाँच लोगों को आए थर्टीन मार्क्स दो लोगों को आए तो ऐड करो 5 plus 2, 7, 7 plus 5, 12, plus 3 15, 15 20, 21, 22, 22 plus 2, 24, plus 1 25. तो 25 तो हम बोलेंगे भाई बच्चों को 15 से कम मार्क्स व्हाट इज लोएस्ट स्कोर ऑफ द ग्रुप सबसे लास्ट वाला दिख रहा है 20 है हाईएस्ट स्कोर खत्म इतना इजीली ये पूरा टेबल आंसर कर दिया इसमें और 50 क्वेश्चन भी पूछे होते ना तो फटाफट से टेबल देख के आप बोल सकते हो आपको बार बार ये वाले डेटा में जाके ऐसे ढूंढना नहीं है कह रहे पंद्रह से ज्यादा कौन है सोलह से ज्यादा कौन है ईजी हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देंगे ना ये वाला तो अपना काम बहुत ही ईजी हो जाता है और ये चैप्टर में हम लोग वही करने वाले तो अभी तक जो हमने सीखा ना उसपे सेवन पॉइंट थ्री में कुछ ईजी क्वेश्चन बेस्ड है पहले हम लोग वो कर लेते हैं ठीक है तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है ईजी है लेकिन वो मैंने सिखाया नहीं है तो पहले हम लोग फोर्थ देख लेते हैं फिफ्थ देख लेते हैं एंड हम लोग सिक्स देख लेते हैं ये सारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है ओके तो चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं वो बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल उसने कुछ चीज़ें दी हुई है यहाँ पे उसके टैली मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखनी है ठीक है ये स्कोर्स को क्लासेस भी बोलते हैं हम लोग ने यहाँ पे स्कोर्स लिखा था ना उसको क्लास भी बोलते हैं तो ये ऐसा लिखा ना, 12 है ना ट्वेल्व डैश थर्टीन ये ट्वेल्व माइनस थर्टीन नहीं है इसका मतलब बारह से लेकर तेरह साल तक जो भी बच्चे हैं वो सारे यहां पे आएंगे तेरा से लेकर चौदह तक यहां पे चौदह से लेकर पंद्रह तक यहां पे पंद्रह से लेकर सोलह तक यहां पे तो ऐसे कितने हैं देखो काउंट करो ये तो आपको देख के ही पता चल गया पांच है काउंट करने की जरूरत ही नहीं है तो ये आ गया अपना फाइव वट अबाउट दिस फाइव फाइव टेन प्लस ये फोर दिख रहा है टेन प्लस फोर हो जाएगा फोरटीन यहां पे देखो एक भी नहीं है तो यहां पे लिखेंगे भाई जीरो और ये कितना है देखो फोर तो यहाँ पे लिख देंगे फोर ऐड करके देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, पे उसने टोटल थर्टी फाइव दिया हुआ है तो ये ना जीरो नहीं है ये अपने को कंप्लीट करना है ये वाले ब्लैंक में कुछ वैल्यू डालना है अब फोर्टीन प्लस फाइव नाइनटीन नाइनटीन प्लस फोर ट्वेंटी थ्री होता है राइट ट्वेंटी थ्री होता है अपने कितना को कितना चाहिए सबको मिला के टोटल थर्टी फाइव कब आएगा थर्टी फाइव जब यहाँ पे ट्वेल्व हुआ तो ही थर्टी फाइव आएगा ना क्योंकि ट्वेंटी थ्री में आप ट्वेल्व ऐड करेंगे तो ही आपको थर्टी फाइव मिलता है या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि थर्टी फाइव में से थर्टी फाइव तो आपको पता है आने ही वाला है और ये तीन को मिला के ट्वेंटी थ्री आया था उसमें से ट्वेंटी थ्री माइनस किया तो आपको ट्वेल्व आता है मतलब इसको ट्वेल्व होना पड़ेगा तो ही ये टोटल थर्टी फाइव होगा अभी अगर ये ट्वेल्व है तो यहाँ पर ट्वेल्व कैसे बताओगे आप लोग लाइन बनाओगे ना कैसा लाइन आएगा वन टू थ्री फोर फिर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव टेन हो गया One, two. Twelve आ जाएगा ना five, five, ten, plus two, 12. तो यहाँ पे देखो तो ट्वेल्व उसने कंप्लीट करने बोला था ये वाली जो वैल्यूज है ना ब्लैंक है उसने ठीक से बताया नहीं बट लिखा है देखो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल तो ये आ जाएगा उसका टेबल आया समझ में इजी है ना चलो फिफ्थ वाला देखते हैं फिफ्थ में दिया है इन ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट ऑफ अ सर्टन स्कूल देर आर फोर्टी फाइव स्टूडेंट ऑफ हरित सेना हरित सेना एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 45 स्टूडेंट्स हैं मतलब ये सबको मिला के 45 आना चाहिए 45 फाइव स्टूडेंट देखो वन टू थ्री फोर फाइव कितने स्कोर्स होंगे 45 फाइव स्कोर्स होंगे द रिकॉर्ड ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट इज गेन बेद पहले बच्चे ने तीन झाड़ लगाए दूसरे बच्चे ने पांच लगाए तीसरा बच्चा तो एकदम मेहनत था सेवन लगाए फिर सिक्स लगाए ऐसे कर करके झाड़ टोटल कितने लगाए अभी तक नहीं पता लेकिन ऐसे कितने बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं तो मुझे पता है नंबर ऑफ स्कोर्स क्या होंगे वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे काउंट करूंगा तो फोर्टी फाइव आएंगे प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डेटा तो आपको इसका एक टेबल बनाना है बहुत ही ईजी है चलो बनाते हैं टेबल तो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया इसमें क्या लिखेंगे इसमें स्कोर स्कोर क्या है यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ट्रीज ठीक है ट्रीज कितने लगाए किसने तो इसलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे नंबर्स ऑफ ट्रीज के एक बच्चे ने कितने चाग लगाए फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं यहां पे हम लोग लिखते हैं टैली मार्क्स और यहां पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ओके okay. इसको चाहिए तो यहां पे आप फ्रीक्वेंसी के जगह पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं याद है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला था ना फ्रीक्वेंसी का मतलब जितने भी नंबर दिए हैं वो क्या दिए हैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको पता है ऑलरेडी कि टोटल फोर्टी फाइव आने वाला है ठीक है तो अभी झाड़ कितने लगा रहे हैं देखो किसी ने तीन लगाया है चार पाँच छः सात मैक्सिमम सेवन है ना और लोएस्ट नंबर है थ्री तो हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ ट्रीज में यहां पे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे लिख दिया अब टैली मार्क्स डालना है टैली मार्क्स कैसे आएगा टैली मार्क्स हमको एक एक काउंट करके लिखना है ठीक है तो देखो यहाँ पे थ्री एक है तो हम लोगों ने यहाँ पे थ्री के यहाँ पे एक डाल दिया फाइव तो फाइव के यहाँ पे एक सेवन तो सेवन के यहाँ पे एक सिक्स तो सिक्स के यहाँ पे एक फोर तो फोर के यहाँ पे एक थ्री तो थ्री के यहाँ पे दूसरा लाइन फाइव तो फाइव फोर तो फोर थ्री तो ये थ्री अच्छा ये कट हुआ है दिख रहा है ना फिर फाइव तो फाइव फिर फोर एंड सेवन तो फोर के यहाँ पे एक सेवन के यहाँ पे एक फाइव थ्री सिक्स तो फाइव थ्री और सिक्स फिर सिक्स एक और आया तो सिक्स फिर फाइव थ्री फोर देखो फाइव के यहाँ पे ऑलरेडी चार थे तो एक और आया तो फाइव के इधर ऐसे आएगा फिर थ्री एक आया तो थ्री के यहाँ पे भी ऐसे आएगा फोर के यहाँ पे एक ही लाइन आएगा ठीक है फिफ्थ वाला जो वैल्यू होगा हमेशा ऐसे डालना होता है फिर फाइव सेवन थ्री तो हमने डाला फाइव सेवन थ्री फाइव देखो यहाँ पे एक सेवन एक थ्री एक फिर फाइव सिक्स फोर तो फाइव के यहाँ पे एक और सिक्स फिर फोर के यहाँ पे देखो ऑलरेडी फोर है तो एक और फोर डालेंगे तो आपको ऐसा लाइन डालना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट है फोर थ्री फाइव तो आ गया फोर थ्री फाइव सिक्स सिक्स फोर तो सिक्स के यहाँ पे देखो फोर ऑलरेडी था तो सिक्स फिर सिक्स फिर फोर थ्री फाइव सेवन थ्री फिर फाइव फिर सेवन फिर यहाँ पर थ्री तो एक और थ्री फिर आया फोर तो एक और फोर एक फाइव देखो फाइव डाला वैसे ही ऑलरेडी चार ऐसे आ गया लाइन पांचवा लाइन ऐसे डालने का फिर सेवन तो सेवन भी देखो चार हो गया है पाँचवा लाइन ऐसे आएगा सिक्स फोर थ्री तो सिक्स फोर फिर थ्री के इधर ऑलरेडी चार है तो पांचवा ऐसे आएगा फाइव फोर फोर फाइव फोर का पांचवा लाइन ऐसे फिर फोर फिर सेवन तो सेवन अब काउंट करके यहाँ पे टोटल लिखो कितना है देखो फाइव प्लस फाइव देख रहा है सीधा दिख गया नहीं तो गिनना पड़ता वन टू थ्री फोर कितना है फाइव प्लस फाइव आ जाएगा टेन नेक्स्ट है फाइव फाइव टेन प्लस वन इलेवन तो आ जाएगा इलेवन उसके बाद है फाइव प्लस फाइव टेन प्लस वन इलेवन तो ये भी आ जाएगा इलेवन नेक्स्ट है फाइव प्लस टू सेवन तो यहाँ पे भी लिख देंगे सेवन फिर नेक्स्ट है देखो फाइव प्लस वन सिक्स तो फाइव प्लस वन आ गया सिक्स ओके okay? ये इलेवन थोड़ा ठीक से लिख देते हैं इज्जत से दिखना चाहिए लेवल है ना अब यहां पे नीचे क्या करेंगे हम नीचे यहां पे एक लाइन बना देंगे और यहां पे लिखेंगे टोटल एन बोलते हैं ना इसको इक्वल टू टोटल करो यहां पे वन प्लस वन टू टू प्लस सेवन नाइन नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन तो लास्ट वाला फाइव आया वन कैरी किया वन प्लस वन टू प्लस वन थ्री प्लस वन फोर तो आ रहा है फोर तो फोर्टी फाइव कितने बच्चे थे फोर्टी फाइव स्टूडेंट्स थे मतलब यहाँ का वैल्यू नहीं किया है वहां पे तो फ्रीक्वेंसी तो अपना एकदम राइट है हमने सारे बच्चों के स्कोर कंसिडर किए अगर यहाँ पे गलती से मुझे फोर्टी फोर आता सम तो क्या मतलब होता है इसका मतलब यहाँ से लेके जब मैंने ये टैली मार्क्स बनाए उसमें मैंने कहीं पर तो एक मिस कर दिया मिस्टेक कर दिया है ना अच्छा थ्री के जगह पे फोर कर दिया तो टोटल सेम आएगा लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ राइट है एक्जैक्टली exactly जो जहां पे थ्री का एक लाइन इधर ही आना चाहिए गलती से थ्री यहां पे किया और यहां पे फोर में लाइन डाल दिया तो भी रॉन्ग हो जाएगा इसलिए टेबल बनाते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान देना तो इसने बोला था प्रिपेयर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डेटा तो हमने बना दिया हम लोग नीचे लिख देते हैं भाई कि ये क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ओके ये है अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आया समझ में इजी है ना काफी मस्त ऊपर से डेटा देखना है और यहां पे कॉपी करना है ओके okay? चलो फटाफट कॉपी कर लो नोटबुक में आपको जब ये सॉल्व करना है तो ये पेंसिल से करना पर क्वेश्चन पेपर में करो तो शायद प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए लेकिन कर लेना पेंसिल से और जब आंसर शीट में कॉपी करते हो तो ये वापस कॉपी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपकी टीचर से पूछ लेना डायरेक्टली टेबल बना सकते हो ठीक है अगर टीचर बोलती है कि ये भी लिखना पड़ेगा तो फिर आपको लिखना पड़ेगा आपकी स्कूल के टीचर के ऊपर डिपेंड करता है बट ये टेबल बना दोगे तो आंसर में मार्क्स मिलना चाहिए अगर टीचर ने बोला है कि ये नहीं बनाओगे तो चलेगा क्वेश्चन पेपर में ये आप कट कट करके कर लिया ठीक है ये इरेज कर रहा हूं ताकि आपको दिख जाए ठीक से ये कट करने का फायदा क्या है कि अपने को समझ में आता है कि भाई कौन सा वैल्यू हमने ऑलरेडी यूज कर लिया इसमें ओके चलो भाई सिक्स क्वेश्चन देखते हैं सिक्स क्वेश्चन देख लो द वैल्यू ऑफ पाई पाई तो आपने यूज किया हुआ है ना 3.14 होता है इसका वैल्यू इंडियन साइंटिस्ट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया था पाए ठीक है तो पाए का जो वैल्यू है 50 डेसिमल प्लेसेस तक आपको दिया हुआ है आप जनरली इतना सा यूज करते थे या 22 टू सेवन लेते थे याद है बट एक्चुअल वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा है हम लोग अप्रॉक्सिमेट वैल्यू लेते थे अगर आपको यह दिया तो क्वेश्चन में अगर ये वाला वैल्यू यूज करने दिया ना तो आपके एग्जाम के पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा इसलिए हम लोग जब स्कूल में एथ स्टैंडर्ड में पाए यूज करते थे तो पाए का वैल्यू ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन लेते थे या फिर हम लोग उसको थ्री पॉइंट वन फोर लेते थे ये अप्रॉक्सिमेट वैल्यू नॉट दी एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू इनफिनिटी तक जाएगा ये ऐसे हजारों डिजिट्स आएंगे उसने पचास डेसिमल प्लेस तक दिया हुआ है क्या है देखो आगे आगे है ला फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एंड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अभी तक हमने जो किया है वो ही किया है ग्रुप नहीं किया है टेंशन मतलब ग्रुप समझा दूंगा मैं आपको प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डिजिट्स अपियरिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रही है ना उसका एक टेबल बनाना है मतलब देखो डेसिमल पॉइंट के बाद वन आ रहा है कितनी जगह आ रहा है देखो वन फिर वन फिर आगे जाके यहां पे वापस वन यहां पे वन यहां पे वन तो वन पांच बार आ रहा है तो हम लोग वन बनाएंगे उसमें पांच टैली मार्क्स बनाएंगे फिर वहां पे फाइव लिख देंगे फिर ऐसे ही टू का करेंगे थ्री क्या करेंगे डिजिट्स कितने होते हैं डिजिट्स या तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है या टू हो सकता है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये वाले थ्री को मत देखना उसने बोला है डेसिमल के बाद वाला देखो ठीक है देखो यहां में सारे फ्रीक्वेंसी को एड करोगे तो पचास आना चाहिए तो इसका टेबल कैसा बनेगा देखो ये तो बहुत ईजी है बीच में तो टैली मार्क्स आएगा यहां पर मैं क्या लिख दूंगा यहां पर मैं लिख दूंगा डिजिटे और यहां पे क्या आ जाएगा यहां पे आएगा फ्रीक्वेंसी ठीक है अब डिजिट क्या क्या पॉसिबल है डिजिट पॉसिबल है जीरो नाइन ठीक है यही डिजिट पॉसिबल है और कोई डिजिट तो पॉसिबल है नहीं चलो काउंट करते हैं अब यहां पे देखो वन एक बार आया तो मैंने वन में इधर एक टैली मार्क डाल दिया फोर तो मैंने फोर में एक डाल दिया फिर वन तो यहां पे वन में एक डाल लिया फिर फाइव तो फाइव में एक डाल लिया ऐसे कर करके आपको सब डालना है वीडियो पॉज करो और एक एक डिजिट का यहां पे टैली मार्क्स बना दो आपको पता है ना पांच बार आ गया तो थ्री फोर फिफ्थ वाली लाइन ऐसे डालना ऐसे मत डालना थ्री फोर फाइव फिर वन टू थ्री फोर फाइव फिर गिनती करते रहोगे जिंदगी भर जब ऐसे फाइव डालेंगे ना तो काउंट करना बहुत ईजी होता है देख लिया ना आगे के टेबल में चलो फटाफट से बनाओ तो आप लोग पूरा टेबल बनाएंगे तो ये ऐसे आएगा टेबल ठीक है एकदम ध्यान से बनाना कट कर करके ये वाला थ्री इंक्लूड मत करना उसने बोला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डिजिट्स अपियरिंग आफ्टर द दे डेसिमल पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद के ही गिनने और कितना डेसिमल प्लेसेस है फिफ्टी काउंट लो देखो टोटल करो टू प्लस फाइव सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व प्लस एट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस फाइव ट्वेंटी थर्टी प्लस एट फिफ्टी तो यहाँ पे टोटल एन आ गया फिफ्टी खतम बन गया अपना टेबल ठीक है यहां पे मेहनत वाला काम है मज़ूरी है ये एक एक करके काउंट करके देखना है क्योंकि आप लोगों को ये गिनने में प्रॉब्लम आएगा ये गिनते गिनते यहां पे से कॉपी करके जब यहां पे लिखोगे तब प्रॉब्लम आएगा कोई बच्चा थ्री में एक वैल्यू कम ले लेगा या यहां पे ज्यादा ले लेगा ले तो गलत हो जाएगा यहां से यहां तक ये यह दिख रहा है कि फाइव है तो फाइव लिखा लेकिन ये फाइव प्लस थ्री एट होता है लेकिन यहां पे गिना ही नहीं गलती से फाइव और टू सेवन कर दिया तो भी गलत हो जाएगा इसलिए एकदम तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन वाला काम है बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कॉन्सेंट्रेट करना है कि ये जो आप कॉपी कर रहे हैं ऊपर से एग्जैक्ट वही आए और यहां पर भी सेम आए फिर ऐड करके चेक करना है अगर ये फिफ्टी नहीं और फोर्टी आया पता चल गया गलत है क्योंकि फिफ्टी डेसिमल प्लेसेस थे अगर फिफ्टी आया तो भी गलत है फिफ्टी आना चाहिए 50 आने के बाद भी गलत हो सकता है इसमें हो सकता है आपने फोर लिया हो इसमें नाइन लिया हो वैल्यू चेंज कर दियो तो भी गलत आएगा लेकिन एटलीस्ट फिफ्टी आया तो मेजर मिस्टेक नहीं होगा ठीक है चलो वीडियो पॉज करो कॉपी कर लो नोटबुक में चेक करो जिन्होंने खुद से सॉल्व किया सेम आया क्या नहीं आया तो ये इरेज करके देखो कहीं पे कुछ मिस्टेक किया है क्या चेक कर लो मैंने तो कोई मिस्टेक नहीं किया ना क्योंकि इसमें कोई दिमाग लगाने वाला ये नहीं है बहुत ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंस चाहिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए बस ठीक है तो आज के लेक्चर में हमने ये फोर्थ क्वेश्चन किया फिर फिफ्थ किया सिक्स किया ठीक है तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं सेवन पॉइंट थ्री के जो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी स्टेटिस्टिक सॉल्व करने में मजा आए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट क्यों कर रहे हो हमने सारे चैप्टर्स के हर एक प्रैक्टिस सेट के हर एक प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया आपको पता है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कर दो सब्सक्राइब ताकि आपको सारे वीडियोज मिल जाए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं नए वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें मैं नए नए ट्रिक्स शॉर्टकट्स अपलोड करते रहता हूं पीडीएफ अपलोड करता हूं फॉर्मूले की वो सब आपको मिलती रहेगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो